हेलो दोस्तों, मैं हूं आप भी दो कोटा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी बेहद ही खास, क्योंकि हम जाने वाले हैं लैंडमार्क सिटी के अंदर में पीजी हॉस्टल रूम देखने के लिए। और आपको बता दूं, वीडियो मैंने शूट कर लिया है और इसमें होने वाला है बेहद ही इंटरेस्टिंग, क्यों शॉकिंग, चौंका देने वाली बात है। क्योंकि हॉस्टल जो गार्डन है, जो हॉस्टल के मालिक हैं, उन्होंने खुद बोला है स्टूडेंटों की लाइफ के बारे में कि किस तरह से हरकतें करते हैं, किस तरह से शैतानियाँ करते हैं वो, दीवार कंबल वगैरह ये फाड़ देते हैं, दरवाजे तोड़ देते हैं, इस तरह की शॉकिंग बातें उन्होंने हमें बताई हैं। तो चलिए देखते हैं, वीडियो के अंदर बने रहते हैं कंटिन्यूसली। और आपको बता देता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, न्यू यूज़र हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मैं कोटा के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाने वाला हूँ आने वाले टाइम पर। तो आप बने रहिए हमारे साथ में आबिद कोटा व्लॉग में, और चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट कोटा आता है, पहले वो कोटा जंक्शन ही आता है, उसके बाद में वो कोटा के सफ़र में निकल जाता है, घूमता है, फिरता है, खूब एंजॉय करता है। और यह है लैंडमार्क सिटी, जो कि हॉस्टलों से भरा हुआ है। आगे पीछे चारों तरफ आप देखेंगे हॉस्टल ही हॉस्टल नज़र आने वाले हैं आपको। तो होता है, कभी होता है आपका मूड ऑफ? हाँ होता है। कैसे हो जाता है, मतलब मूड ऑफ आपका किस चीज़ को लेके, पढ़ाई को लेके? हाँ, पढ़ाई को लेके। पढ़ाई को लेके। और मतलब मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आपको कोई दिक्कत विक्कत यहाँ पर आ रही है अभी? तो जबरदस्ती नहीं करते भाई, खाना खाओ, अच्छा हो तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। पीजी है मेरे साथ में, तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ लैंडमार्क में आपको कैसा फील होता है, मतलब अपनापन सा फील होता है या फिर थोड़ा अजीब सा लगता भी? आप कोई लोकल भी दिखा दीजिए एक बार खोल के। ठीक है, लोग सब बढ़िया। और ये एसी भी चलता है? नहीं चलता है, एसी चलता है। जो रूम तो बता रहे हैं, तो इसमें कुछ सिक्योरिटी व्यूरिटी भी है? हम 2000 रुपये सिक्योरिटी लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि कांच वाँच तोड़ दे, दरवाजा तोड़ दे, इधर से क्या नाम से चद्दर उद्दर ले जाता है, फाड़ दे, दीवारें गंदी कर देता है। और बच्चों के हित में रहते हैं हम, बस इसलिए कि भाई बच्चा अच्छी तरह पढ़े और बढ़िया मन लगा के पढ़े। तो दोस्तों, हम आ गए हैं लैंडमार्क की सरजमीन पे, वतन परस्ती पूरी चाई हुई यहाँ पे लैंडमार्क में। एलन के बच्चों के द्वारा पूरे मुहिन हुए पड़े हैं लैंडमार्क के लिए, और ये लैंडमार्क के कुछ पिक्चर्स मैंने आपको शेयर किए। ये लैंडमार्क के हॉस्टल वाले एरिया, पूरे की पूरी 7-8 माले की बिल्डिंग है। सारी जगह जहाँ आप नज़र डालोगे वहाँ पे आपको 7-8 माले की बिल्डिंग नज़र आएगी, उल्टा सीधा आपका दिमाग होने वाला है। यहाँ आने के बाद में काफ़ी ख़तरनाक माहौल रहता है यहाँ पे, आप ऊँची गर्दन करके ही चलोगे, नीचे आप देख ही नहीं पाओगे बिल्कुल भी, इसलिए मैं नीचे का भी दिखा रहा हूँ आपको। ख़तरनाक ऊँची ऊँची बिल्डिंग है भाई यहाँ पे, पूरी की पूरी 7-8 माले की बिल्डिंग है ये। ऊपर तक मेरा मोबाइल कैमरा भी नहीं जा पा रहा है, पूरा का पूरा देख सकते हो आप, पूरा कवर भी नहीं कर पाता एरिया, इतनी बड़ी बड़ी ऊँची मीनारें बना दी। तो अब हम जाने वाले हैं पीजी कम हॉस्टल रूम जो है भाई का, भाई साथ में मेरे बाइक पे, और किधर जाना है ये भाई गाइड कर रहा है मुझे। ये रास्ता थोड़ा एनिमेटेड कर दिया मैंने, ये देख सकते हैं आप क्लियर व्यू, पूरा का पूरा इधर चलना है भाई, मंदिर के पास से रास्ता होता हुआ जा रहा है ये एक। तो भैया घंटे कूचड़े काम चल रहा है बहुत सारा यहाँ पर, इधर लेना भैया, राइट ले लिया है हमने और ये निकल दिया हम राइट। अब कहाँ लेना है भाई, सीधा चलते रहो, सीधा चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, बस बस बस। तो ये आ गया है, ये आ गया है हमारा हॉस्टल यहीं पे ना भाई। तो भाई बता रहा है पीजी रूम यहाँ पे लेके रह रहा है यहाँ पे 4000 रुपये में। तो देखते हैं पीजी कम हॉस्टल इस तरह से लग रहा है, ये थोड़ा बहुत फीलिंग आती हुई, काफ़ी अच्छा है लोकेशन, तो रास्ता काफ़ी खुला हुआ है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं लैंडमार्क में, जैसा कि आपने डायरेक्शन देखा अभी, तो हम हैं अभी ओम रेजिडेंसी, जो कि पीजी रूम प्रोवाइड करवाते हैं सर। सर अपना नाम बता दिए? राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र शर्मा जी, तो इन सर से बात कर लेते हैं अब रूम के बारे में और भी जो फैसिलिटीज़ हैं उन सब के बारे में। तो सर, रूम आप कितने का दे रहे हैं यहाँ पे? मैं 4000 में पीजी रूम देता हूँ। 4000 में पीजी रूम आप देते हैं, और 4000 में आप क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं? 4000 में लॉन्ड्री साफ सफाई देते हैं, वाईफाई के पर बच्चे से 100 रुपये लेते हैं, वाईफाई के पर बच्चे से 100 रुपीज़ देते हैं, और बिजली का बिल है 10 रुपये यूनिट, 11 रुपये यूनिट, 11 रुपये यूनिट है। मतलब 4000 रुपये में आप जो है लॉन्ड्री साफ सफाई, साफ सफाई, और वाईफाई भी, वाईफाई 100 रुपये का चार्ज, वाईफाई 100 रुपये चार्ज रहेगा, वाईफाई भी मतलब एक तरह से फ्री माना जाए, हाँ माना जाए। और लोग आप लाइट का बोल रहे हैं, लाइट का, लाइट का 11 रुपये पर, तो लाइट का 11 रुपये पर यूनिट एक्स्ट्रा है। तो इसके अलावा जैसे और क्या फैसिलिटीज मिलती है स्टूडेंट को? बच्चों को जबरदस्ती नहीं करते भाई, खाना खाओ, अच्छा हो तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। पीजी में ये रहता है कि बच्चा
सुकून से रहता है, जहाँ खाना मिलता है वहाँ खाना खाने चल जाता है। दो तीन मेज अच्छे हैं यहाँ, गजानन मेज, लक्ष्मी मेज, जहाँ बच्चा खाना पसंद करता है, इसलिए पीजी में ज़्यादा पसंद करता है बच्चा रहना। हॉस्टल में क्या है, बन जाता है इंसान। हॉस्टल में जो है खाने का भी साथ में हाँ, इंक्लूड हो अच्छा जाता हॉस्टल है। तो अच्छा खाना खिलाता है, कोई बात 4 दिन खाना खिलाया कहाँ, 4 दिन खराब खिलाएगा, तो इसलिए ज़्यादा अगर बच्चा पीजी में पसंद पीजी करता में है। पसंद कर रहा। और दूसरी चीज़ कह रहा था कि जैसे इसमें टाइमिंग क्या रहता है अपना, क्लोज रात के 10 बजे बाद लोग हो जाता है ताला, हो जाता है। और अगर जैसे किसी को अर्जेंट हो अर्जेंट हारी बीमारी तो हमें फ़ोन करें, तो यह गार्ड लगा हुआ है जो हम हाथों हाथ हॉस्पिटल जाके दिखा देते हैं। और दूसरी बात, बच्चा अगर जाना चाहे 2-3 दिन छुट्टी से, तो माँ बाप के परमिशन से पूछताछ करके फिर बच्चों को हम जाने देते हैं यहाँ से। माँ बाप पेरेंट्स जो रहते हैं उनके हाँ परमिशन के हाँ बिना नहीं भाई, जाते आपका हैं। बच्चा 2 दिन के लिए आपके घर पर जा रहा है, छुट्टी पर जा रहा है, तो हम पूछ के फिर जाने देते हैं उसको। और एक और क्वेश्चन था कि 4,000 में आप शेयरिंग करवा रहे हैं या फिर डबल का जो है, जैसे एक ही रूम में डबल बच्चा रहे तो तो डबल उसमें बच्चा रहेगा तो 6,000 रुपये लेते हैं, 6,000 रुपये, 3,000 रुपये पर पर्सन का। 3,000। ठीक है। तो सर एक और चीज़ थी जो सर आप जो रूम का बता रहे हैं तो इसमें कुछ सिक्योरिटी व्योरिटी भी है। हम 2,000 रुपये सिक्योरिटी लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि बच्चा क्या नाम से कोई कांच वाँच तोड़ दे, दरवाज़ा तोड़ दे, इधर से क्या नाम से चादर उधर ले जाता है, फाड़ दे, दीवारें गंदी कर देता है, नहीं, इसी और बच्चों के हित में रहते हैं हम बस, इसलिए कि भाई बच्चा अच्छी तरह पढ़े और बड़े मन लगा के पढ़े और इधर उधर घूमे नहीं, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत दूर से बच्चे आते हैं। चलो भैया ऊपर चलो, ये एक मंजिल तो चढ़वा दिया इसने, दूसरी मंजिल है ये, अब चढ़ने को तैयार हम। चलो भैया तीसरी मंजिल पे रहता है ये भाई, तो ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ बढ़िया ठीक ठाक है पीजी रूम, ऐसे देखने में आपको दिख रहा होगा, आप भी कमेंट करके बताइएगा कैसा दिख रहा है। और ये बाहर का व्यू है, तो मतलब फ्लोर से लिया है ये, जहाँ पे लड़का रह रहा है वहाँ से मैंने, गार्डन है सामने की तरफ में, ठीक ठाक लोकेशन है। चलो भाई ये फाइनली लेके आ गए अपने। तो दोस्तों हम आ गए हैं अभी बिल्डिंग के अंदर, पीजी रूम, भाई है मेरे साथ में, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो हम आ गए अंदर, रूम देख लेते हैं हम। तो ये मिरर, बोर्ड और ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे। ये जो है लॉकर यहाँ दिया हुआ है और एसी भी अवेलेबल है, टेबल बेंच कुर्सी सब यहाँ पे अच्छे से अवेलेबल है। कोई लॉकर भी दिखा दीजिए एक बार खोल के। ठीक है लॉकर बंद कर दीजिए। लॉक वॉक सब बढ़िया। बढ़िया और ये एसी भी चलता है, नहीं चलता है एसी? चलता चलता है। है। हाँ और ये क्या विंडो हाँ ओपन होती है? होती है। खोल के दिखा दीजिए एक बार। बढ़िया विंडो भी, जाली भी लगी हुई है इसमें, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। और ये क्या लेड बात है बाथरूम बस अटैच, लाइट बाल दोनों है, बढ़िया। तो दोस्तों वीडियो आपने देखा रूम का, तो अब बात कर लेते हैं भाई से। भाई अपना नाम क्या है? निशांत, निशांत। और कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई आप? उदयपुर से, उदयपुर से। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी? नेट की नेट की प्रिपरेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऑनलाइन है या ऑफलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन कर रहे हैं। और जैसे रूम आपका देख लिया है, काफ़ी ठीक है रूम, 4,000 रुपये में आपको लोकर वोकर सारी फैसिलिटी है, एसी वगैरह है, अटैच बाथ है। और मतलब मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आपको कोई दिक्कत विक्कत यहाँ पर आ रही है अभी? कोई ना कोई दिक्कत नहीं आ दिक्कत रही। नहीं कोटा के अंदर में? ठीक है। माहौल आपको हाँ कैसा लग सही रहा है? है। ठीक है। कितना टाइम हो गया आपको कोटा में? 4 महीने। 4 महीने हुआ है? हाँ अच्छा, अभी 4 महीने हुआ है। और मैं चाह रहा था पूछना कि नीट का जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा उसमें कोई आपको दिक्कत आई? ना कोई आप दिक्कत नहीं। बाहर से थे तो आपको कुछ एफिडेविट और ये बनाना पड़ा कुछ अलग से, नहीं। हाँ कोई डायरेक्ट फॉर्म फिल होगा? अच्छा। और दूसरी चीज़ कह रहा था, रात में जो आपको कोई दिक्कत आती है क्या आने जाने में कुछ था? ना कोई दिक्कत नहीं जैसे आती। टाइमिंग का बताओ उन्होंने 10 बजे का, और लेट अगर आप जाते करते हैं तो परमिशन के लिए बोला तो ओके। अच्छा, हाँ ओके। तो एक और चीज़ पूछना था कि यहाँ लैंडमार्क में आपको कैसा फील होता है, मतलब अपनापन सा फील होता है या फिर थोड़ा अजीब सा लगता है भी आपको? आप नए हो, 4 महीने हुए आके, तो स्टार्टिंग में आपको कैसा लगा होगा जब आप आए होंगे यहाँ पर? स्टार्टिंग में तो ऐसे ही सब अपने हिसाब से रहते हैं, यूँ अच्छा सब स्टडी का माहौल है, ऐसे हाँ। रहते हैं तो अभी घुल मिल पाए हो, नहीं मिल पाए हो ना, घुल यहाँ मिल पे? नहीं। आप अपने में हाँ ही स्टडी अपने करते में हो, सिर्फ पढ़ना है इधर पढ़ना बस। है पढ़ना है हाँ पढ़ना है। और जैसे अगर मूड ऑफ होता है, कभी होता है आपका मूड ऑफ, हाँ होता कैसे हो जाता है? मतलब मूड ऑफ आपका किस चीज़ को लेके? पढ़ाई को है। लेके हाँ होता है? पढ़ाई को लेके। पढ़ाई को लेके? तो उसमें क्या करते हो आप थोड़ा
फ्रेंड फ्रेंड के साथ में घूमने जाते हो या फिर क्या करते हो आप? हाँ, किसी फ्रेंड से बात कर लेता हूँ या मोटिवेशनल वीडियोस देख लेता हूँ। तो किसकी देखते हैं आप जैसे मोटिवेशनल वीडियो? संदीप बहुत है, जैसे संदीप महेश्वरी की। महेश्वरी जी का। अच्छा, और दूसरी चीज़ मैं पूछ रहा था, जैसे यहाँ पे आप जो है अभी कब तक के लिए हैं? मई तक। ये मई तक है। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, आपको रियलिटी भी पता लगी होगी कोटा की कि क्या होता है हॉस्टल लाइफ। तो आगे इसी तरह से वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे आबिद कोटा व्लॉग में, और चैनल को अभी फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। ये हेलो गाइस, मैं हूँ रेहान और मैं रहता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और बने रहिए हमारे साथ में आगे आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।